मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, इसलिए कोई भी तुम्हारा रास्ता अब नहीं रोक सकता। तुम सफलता की सीढ़ियाँ आज से और अभी से अब चढ़ते जाओगे। सफलता प्राप्ति करने के लिए मेहनत और अनुशासन के साथ हमेशा काम करना। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूँ बच्चे कि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत दुख है, लेकिन तुम किसी को बताते नहीं हो। इसके बावजूद भी तुम्हारा ये जो स्वभाव है ना, हमेशा खुश रहने का, तो यही तुम्हें औरों से भिन्न बनाता है। हमेशा यूं ही रहना, मैं दुखों को एक एक करके तुम्हारे जीवन से निकाल दूंगा। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर दृढ़ बनाए रखना। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे रुके हुए काम आज से बनते चले जाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना अब स्वीकार की है। तुम्हारे जीवन में सब कुछ एक एक करके होगा, इसलिए चिंता मत करो। यदि तुम्हें कुछ दिल से चाहिए तो उसके लिए हिम्मत मत हारो और उम्मीद मत छोड़ो। हमेशा ये विश्वास रखो, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है ना, तो वहीं से चमत्कार भी होते हैं। चाहे अभी समय लग रहा हो, लेकिन तुम्हारी हर मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। और अपनी तबीयत के बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें भी अपना ध्यान रखना होगा। समय से खाया करो और समय से सो जाया करो। समय से उठकर व्यायाम और ध्यान दोनों किया करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर समस्या का हल मेरी उदी है, इसलिए हर परेशानी में मेरी उदी का प्रयोग करो। चाहे वह मानसिक परेशानी हो या शारीरिक परेशानी हो, मेरी उदी का जल रोज ग्रहण करो और उसका टीका अपनी माथे पर लगाओ। और सोने से पहले मेरी उदी को अपने तकिया के नीचे रखो, और ऐसा तब तक करो जब तक तुम्हारी परेशानी दूर ना हो जाए। बस उसके साथ साथ पूर्ण विश्वास रखो कि मेरे बाबा है ना, तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे। बस यही विश्वास के साथ उदी का रोज प्रयोग करो, तुम्हें इसमें अवश्य लाभ होगा। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम दिन प्रतिदिन निराश होते जा रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा है। और तुम मुझसे कहते हो कि बाबा आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ रोज मुझसे कहते हो कि आज होगा या कल होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो बच्चे, जहाँ से तुम्हारी हिम्मत टूटती है ना, तो वहीं से मेरी लीलाएं शुरू होती हैं। और मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी बिखरने नहीं दूंगा। बहुत जल्द तुम आर्थिक रूप से स्थिर हो जाओगे और अपना हर सपना पूरा कर पाओगे, जिसके लिए तुम रोज मेहनत कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर माँ लक्ष्मी की इतनी कृपा होगी ना, कि मैं तुम्हारे जरिए दूसरों की मदद करूँगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ है, उसे आज ही तुम खत्म करो। तुम्हें समय भी मिल जाएगा। बस अपने दिन की शुरुआत में ही पूरे दिन का टाइम टेबल बना लो, फिर तुम्हें समय भी मिल जाएगा अपना वह काम खत्म करने के लिए। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी काम को अपने हाथ में लेते हो ना, तो उसे पूरा अवश्य करो, अधूरा मत छोड़ो। क्योंकि यदि तुम उसे कल के लिए छोड़ोगे, तो वह कभी पूरा नहीं हो पाएगा, वो कल कभी नहीं आएगा। इसलिए जो सोच रहे हो, उसे आज ही खत्म करो, तुम्हारा वो काम अवश्य पूरा होगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बस अपनी अच्छाई कभी मत छोड़ना। कुछ लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया था, लेकिन तुम अपना मन हमेशा साफ रखो। उन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास होगा, ये मैं कह रहा हूँ ना, तो बस विश्वास रखो और खुश रहो। भले ही अभी समय कठिन है, लेकिन मेरा विश्वास करो बच्चे, यह दौर भी गुजर जाएगा और तुम अपनी आंखों में खुशी के आंसू लेकर मुस्कुराओगे। मेरे बच्चे, आज से 40 दिनों तक रोज 21 बार साईं साईं का जाप करो। इससे तुम्हारी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी और तुम्हारे रुके हुए काम भी बनते चले जाएंगे। इसलिए सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।